ट्यूटोरियल में हम एक इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से और कितनी आसानी के साथ ग्रास या घास का इफेक्ट हासिल कर सकते हैं, जिसको कि हम अपने किसी भी बैकग्राउंड के लिए अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं और उसका मोड RGB, डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज और इसको ओके किया और डबल क्लिक से मैक्सिमाइज कर लिया। लेयर्स पैलेट को डबल क्लिक से अनफोल्ड कर लिया और इस पर हमने वो इफेक्ट अप्लाई करना है। और इस टाइम हमारी जो लेयर है डिफ़ॉल्ट की, जो डिफ़ॉल्ट जब हम फाइल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के तौर पर इसकी जो लेयर होती है सिंगल, वो उस पर लॉक लगा होता है और वो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बैकग्राउंड लेयर के तौर पर इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से एक ये भी होती है कि ये लॉक होती है और इस पर हम कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ से स्मॉल एफ बटन से। इसका क्या तरीका है, ना इसको हम, अगर मैं यहाँ कोई नई लेयर ऐड करूँ तो मैं इसको उसके ऊपर लेके नहीं जा सकता, ना उसको इससे नीचे ला सकता हूँ। ये अपनी जगह पर रहेगी सबसे नीचे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में ही बैकग्राउंड के नाम से ये मौजूद है। इसका ये तरीका होता है कि हम इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसका नाम चेंज कर लें। अगर कोई भी नाम हम ना रखना चाहें तो डिफ़ॉल्ट में जो लेयर ज़ीरो होगी ये ऑटोमेटिक वही नाम आ जाएगा। ओके, अब हम चाहें तो कोई भी नया लेयर इसके नीचे ला सकते हैं या इसको नीचे वाले लेयर पर ला सकते हैं किसी लेयर से नीचे, और जो नीचे एफ बटन था वो भी हमारा एक्टिवेट हो गया, हमें ऊपर वाले लेयर की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे मैंने आपको बरसवील तस्करा इसके बारे में बता दिया। इस जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में हमें उसकी जो एक लेयर है उसकी ज़रूरत है। अगर हमने बाद में उसके ऊपर कोई काम करना चाहे तो वो हम ऐड कर लेंगे। स्मॉल ऑफ बटन को प्रेस किया या कोई भी कलर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से हमने करना है जिसको पैटर्न ओवरले, पैटर्न ओवरले को ओपन करेंगे हम। तो इसमें जो यहाँ ये ट्राइंगल छोटी सी, इसको क्लिक किया, पैटर्न की जो सेटिंग थी वो ओपन हो गई। यहाँ पर ये स्मॉल पैटर्न, ये ट्राइंगल है इसको ओपन किया, रिसेट पैटर्न इसको ओके किया। तो जब हम ये पैटर्न की जो पैटर्न ओवरले वाली ये जो ऑप्शन है मेन्यू, इसको पॉपअप करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की जो लिस्ट है पैटर्न की जा जाती है। लेकिन अगर हमने इनको चेंज करना हो तो ये स्मॉल ट्राइंगल को प्रेस किया और यहाँ पर हमारे पास है सबसे नीचे वाले पोर्शन में सेकंड नंबर पे नेचर पैटर्न, इसको सेलेक्ट किया, इसको ओके किया और ये हमारे सामने जो नेचर के पैटर्न्स बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेव हैं वो आ गए। तो इसमें हमने ऊपर वाली लाइन में जो सबसे आखिर में है गालबन जी, ये ग्रास 200x200 पिक्सल, इसको क्लिक किया, हमारा जो पैटर्न था वो इस पर अप्लाई हो गया और हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो गया। इस तरह से आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से एक ही ऑप्शन से हमारा जो बैकग्राउंड का ग्रास का इफेक्ट था वो हमने हासिल कर लिया। और अगर हम इसमें चाहें मजीद खूबसूरती पैदा करने के लिए, इसके ऊपर हम नई लेयर ऐड करते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगी। टेक्स्ट टूल से क्लिक किया और उसके ऊपर हम ग्रास लिखा, मूव टूल सेलेक्ट किया और शो बॉन्डिंग बॉक्स, शिफ्ट से इसको इसका साइज हमने बड़ा किया और आल्ट की से और डबल क्लिक और इसका शो बॉन्डिंग बॉक्स ऑफ किया। और इसको हम कर लेते हैं जी, इसको मेरे ख्याल से ह्यू कर लेते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा जी, लेकिन ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसका हम ये करते हैं कि ड्रॉप शैडो जी, ड्रॉप शैडो की डिफ़ॉल्ट सेटिंग, और इनर ग्लो कर लेते हैं और आउटर ग्लो कर लेते हैं, सॉरी इनर शैडो था ये इनर ग्लो जी, मेरे ख्याल से ये ठीक है। अगर आप चाहें तो इनर ग्लो कर लें, चाहें तो ना करें, जिस तरह से भी ये ठीक इस्तेमाल किया जा सकता है। इनर ग्लो से खाली और आउटर ग्लो से भी चाहें तो वो मजीद दरा हावी हो जाता है अगर आप जिस तरह का इफेक्ट देना चाहें। हम खाली इनर ग्लो से देखते हैं इसको और ओके किया और ये हमारा जो इफेक्ट था ये कम्प्लीट हो गया। इस तरह से आप कहीं भी किसी बैकग्राउंड के लिए या किसी टेक्स्ट के लिए या किसी ऑब्जेक्ट में, किसी लोगो में, कहीं भी ग्रास का इफेक्ट देना चाहें तो इस तरह से पैटर्न ओवरले के जरिए बासानी दे सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटा सा ट्यूटोरियल ये आपको पसंद आएगा और आप इसे कहीं ना कहीं ज़रूर अपने काम में इस्तेमाल करेंगे जहाँ भी आपको ग्रास का ओरिजिनल ग्रास का इफेक्ट दरकार होगा। फिर मिलते हैं।